गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। आई नो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ और आप लोगों के सामने अपना ये शक्ल दिखा रहा हूँ। एंड कुछ थे वजह जिसके वजह से मतलब हंसू या रो ऐसा सिचुएशन हो गया था पागल टाइप में। तो खैर वो सब नहीं बताएंगे क्योंकि वो बताने वाला चीज़ नहीं है। अपने आपको बीच पॉजिटिव वाला फील लेके अब मैं अपना व्लॉग का फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो होना सा सो हो चुका है एंड अभी भी वो चल ही रहा है, बट उसको मैं अब साइड में रखता हूँ और अपना लाइफ को फिर से एंजॉय करता हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा क्या क्या मस्ती वगैरह। एंड आप लोगों को पता है कि अभी कौन सा महीना चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्म। फिलहाल अभी सुबह के बज रहे 9:30 एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर चल रहा है ना 34 डिग्री सेल्सियस, सुबह के समय 34 डिग्री सेल्सियस, भाई क्या बोलो समझ नहीं आ रहा। वेल आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों के बाद अभी मुलाकात हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। एंड बट ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग ऊपर वाले को शुक्रिया करें। एंड शुक्रिया अल्लाह ताला का कि मुझे फिर से एक नया दिन दिखाया मुझे, तो अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था बट अभी हील कर रहा हूँ खुद को भाई। दुकान से निकलने का मन नहीं करता और बैठे बैठे ही पसीना भी निकलता है। ऐसा तो मेरे साथ होता नहीं था बट इतना ज़्यादा गर्म है ना। तो वेल अभी दुकान से आया हूँ घर पे, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। और आज की व्लॉग में आप देखने वाले थोड़ा सा एडवेंचर। आज मैं जाऊँगा नदी पर नहाने के लिए। कौन से जगह जाऊँगा वो सब आपको दिखाऊँगा। एंड कुछ दिन ऐसे ही आपको नए जगह एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा, हिडन प्लेस दिखाऊँगा, जो गर्मी के दिन में मस्ती करने वाला जगह ना वैसे वाला। तभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा ऑलमोस्ट 1 बजे करीब में। और कौन से जगह जाऊँगा आप लोगों को लेके चलेंगे। एंड फिलहाल हमारे ब्लॉग के थ्रू से देख लीजिए हमारा ये घर और वेदर देखो। आसमान में बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा, एकदम खुला आसमान। और ये बसंती बस दिख रहा है। ओह शिट, इसको देखना भी बहुत मुश्किल है यार। चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर आ चुका है अपना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर अपना हैंडसम रोटी जो कि मैंने पास लिया है, दाल हो गया, प्याज, नींबू, मिर्चा और उसके बाद नमक। और यहाँ पर ये देखो, दिस इज़ जो पम्पकिन होता है ना, पम्पकिन के पत्ते का और कच्चू पत्ते का मिक्स करके एकदम मस्त, इसको चोखा बोलते हैं हम लोग, चोखा बनाए। और दिस इज़ कॉल्ड भड़वा मिर्चा। भड़वा मतलब कई जगह में गाली भी होता है बट हम लोग इसको भड़वा मिर्ची करते हैं, हमारे यूपी में यही बोलते हैं। तो यही है अपना ब्रेकफास्ट। क्या भयंकर सा लाइट दे रहा है ना। तब खा लेते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। भाई घर पे भी बैठ नहीं पाते, इतना ज़्यादा गर्म। वाह इनके लिए कितना अच्छा ना। आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर के ठीक आगे में एक ये छोटा सा प्यारा सा पोखरी है जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है जब यहाँ पर ठंडा मौसम हो ना, तो क्या ही खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पर ऐसे वाले जो पत्ते दिख रहे हो ना, ये पूरा भर्ती हो गया था। अब कल से इसका सफाई शुरू हो चुका है, इतने भी जबड़े सब निकाल के फेंक रहे हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी हो गया जिसके वजह से मछली वगैरह ऐसे मर जा रही है। देखो यहाँ पर एक मछली देख रहे हो, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है, उसके बाद उधर में भी एक दो मैंने देखा था। ओहो वो देखो, वो बोतल के पास वहाँ पर एक। तो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, इतना ज़्यादा गर्म जिसके वजह से ये सब मछली मर रहे हैं। और इसके मरने के वजह से क्या होता है कि पूरा जब हवा चलता है तो पूरा अपने घर पर इसका बदबू आता है, बहुत अजीब सा। भाई एक यहाँ पर, वहाँ पर भी देखो, ओ भाई एक दो और एक वहाँ पर देखो, पूरा फूल गया है भाई, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है। सोच लो भाई अभी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पर ना। हम लोगों का घर के सामने ये दो पेड़ है, यहाँ पर मैं सोच रहा था एक एकदम मस्त वाला झूलने वाला टाइप में, बिस्तर वाला टाइप में एक रस्सी बनाओ और यहाँ पर आराम से बैठ के इस पेड़ का भी मज़ा लो, हवा भी मिलेगा ठंडा ठंडा और साथ ही साथ ये भी देख पाऊँगा। बट यहाँ का जो खुशबू है ना, वो खुशबू ने पूरा प्लान कैंसिल कर दिया, बदबू ने पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। तो वेल अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, अब चलते हैं दुकान पे, थोड़ा देर बैठेंगे और उसके बाद जब यहाँ से जाना होगा तब आप लोगों से मुलाकात। काफ़ी देर दुकान पे बैठा, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एक नए जगह के लिए जहाँ पे मैं जाके नहाऊंगा ऐसा सोच रहा हूँ। सबसे पहले जगह देखूंगा, उसके बाद प्लानिंग करेंगे कि वहाँ पर नहा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। एंड साथ ही साथ नहाएंगे भी और फिशिंग भी करना है, तो वो हिसाब के लिए मैं अभी जा रहा हूँ जगह देखने के लिए। यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा और पसीना देखो भाई, बैठ बैठ के यूँ ही पसीना निकल रहा है। तो अभी केप लगा लियो, हाँ वहाँ पर रखा है।
केप लगा लिया हूँ क्योंकि भाई धूप काफ़ी ज़्यादा, तो चेहरा भी थोड़ा बचाना पड़ेगा, और अपना बसंती भी निकाल कर रखा हूँ। तो अब यहाँ से निकलते हैं, कौन सी जगह जाएंगे कोई भी आइडिया नहीं, बस निकलते रहते हो, चलते रहते हो और आप लोगों को दिखाते रहते हैं। फिलहाल मैं अभी चौखाम पर रुका हूँ और यहाँ पर एक मेरा फेवरेट लोकेशन है जहाँ पर मैं पहले आया करता था नहाने के लिए जब स्कूल टाइम हुआ करता था। अभी इतना नहीं आता क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसमें थोड़ा सा वो वाला फील आता है। क्योंकि ये जगह देख लो, पहले सबसे पहले जगह ये देखो, ये जगह एक बेस्ट नहाने के लिए, बट यहाँ पर नहाने के लिए शर्म इसलिए लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा ओपन एरिया हो गया, और जहाँ पर आप खुल के नहा सको वो थोड़ा सा बंद एरिया होता है ना, तब जाके मज़ा आता है। बट फिर भी अगर आप आके नहाना चाहते हो ना, ये जगह में भी आके नहा सकते हो, मस्त लोकेशन है। आगे में भी एक जगह है झूलना ब्रिज, शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, वो देखो वहाँ पर जो दिख रहा है ना वो एक्चुअली झूलना ब्रिज है। वहाँ पर उसके नीचे भी हम लोग बचपन में जब स्कूल में थे ना, तब काफ़ी ज़्यादा नहाने के लिए जाया करते थे, तो वो जगह भी याद है। बट अकेला वहाँ पर नहीं नहा पाएंगे, थोड़ा सा पानी गहरा है, जहाँ पर आप गर्म के दिन में आके चिल करके नहा सकते हो, क्या मस्त है। और पानी भी देखो भाई, कतई सफ़ेद है भाई, कतई सफ़ेद। और ये जगह मैं कहाँ आपको बता दूँ, इधर में एक बुद्धा मोनेस्ट्री है जो कि रिसेंटली इसका इनोग्रेट किया था, कल या परसों किया था। मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि मैं उसमें उस वक्त व्लॉग नहीं बना रहा था, बट आपको यहाँ पर आना है ना, तो यहाँ पर एक बुद्धा मोनेस्ट्री है चौखाम का, ठीक चौखाम में ही पड़ता है ये। वहाँ से आपको थोड़ा सा अंदर आना है और आपको ऐसा लोकेशन मिलेगा नहाने वाला। यहाँ पर अकेले नहीं नहा पाऊँगा मैं, और साथ ही साथ ये जगह में तो नहीं नहा पाऊँगा, थोड़ा सा वो चाहिए मुझे प्राइवेसी। तो इसी मंदिर का इनोग्रेशन किया गया था, बुद्धा मोनेस्ट्री का इनोग्रेशन किया था। पहले थोड़ा सा अलग था, इसको पूरा नया बना के आप ही देखो क्या प्यारा सा लुक हो रहा है ना। और इनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। और इनके कुछ ये ट्रेडिशनल जो फ्लैग्स वगैरह देखो, इतने प्रकार के होता है, और भी बहुत सारे प्रकार के होता है। सबका अपना अपना डिज़ाइन अपने हिसाब से बना के इसको लगाते हैं इन लोग, देखो बम्बू में लगा के रखे। और इधर में कुछ स्टेज है शायद ये प्रोग्राम वगैरह करने के लिए। और ये देखो, दो तीन दिन पहले यहाँ पर प्रोग्राम होता है, उसको लेकर पूरा बनाया था पेंडल वगैरह, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाया अपने व्लॉग में क्योंकि मैं उस वक्त व्लॉग नहीं बना रहा था। वो देखो अभी जो भी पेंडल वगैरह था सब निकल दे। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम नेक्स्ट लोकेशन कौन सा जगह होगा। अभी हम आ चुके हैं अपने दूसरे लोकेशन पे, और ये जो जगह है इसका नाम है नालोंग। यहाँ पर एक सामने हेलीपैड है, और यहाँ पर मोस्टली हर दो साल या तीन साल में एक बार पोइपी माओ एक मेला होता है, जो कि ताई खामची लोगों का एक बहुत ही बड़ा सा मेला होता है, जो न्यू ईयर होता है उन लोगों का, वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक ये पास में ही यहाँ पर एक रिजॉर्ट है जो कि आई थिंक अभी बंद है। एंड अभी मैं जो जगह लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर भी हम लोग स्कूल के समय में आया करते थे नहाने के लिए अपने दोस्तों लोगों के साथ। देखिए ना, अपना स्कूल वाला टाइम याद आ गया, हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो यहाँ पर भी हम लोग स्कूल छुट्टी होने के बाद अपने दोस्तों लोगों के साथ आया करते थे नहाने के लिए। वो दिन भी क्या दिन थे यार, स्कूल वाला टाइम, दोस्तों लोगों के साथ मस्ती करने वाला टाइम, जस्ट वाव। एंड वेल, ये नदी भी है, आप एकदम मजे से यहाँ पर आके नहा सकते हो, यहाँ पर इतना जल्दी कोई आता नहीं है, एकदम प्राइवेसी टाइप में है। और ये नदी थोड़ा सा आपको ऐसे ही थोड़ा सा जबड़ा वगैरह देखने को मिलेगा, ऐसे ही घास है वो सब अंदर अंदर में, बट पानी तो आपको पूरा साफ है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको मछली वगैरह देखने को भी मिलेगा, तो ये जगह में भी आप आ सकते हो। वाह, देखो पानी भी कितना क्लियर है, लग नहीं रहा ना कि कुछ है यहाँ पर, बट ये दूर दूर तक देख लो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लग गया जैसे कि मैं सर्वे कर रहा हूँ नदी का, हर जगह जगह स्पॉट ढूंढ रहा हूँ, कौन सा जगह में अच्छा से नहा सकते हैं, फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, सर्वे कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। और ज़्यादा देर रुक भी नहीं पा रहा भाई, इतना ज़्यादा तेज़ धूप है ना, और इनफेक्ट अभी 12 बजने वाला है, जस्ट अमेजिंग। फिर भी मैं कर रहा हूँ, आप लोग को भी दिखा रहा हूँ, जो आसपास के वो आके ऐसे ऐसे जगह में आप लोग नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोगों को, बाहर वाले को पता नहीं होता ना कौन से जगह, इनफैक्ट हम लोग को भी कभी कभी नहीं पता होता है, बट फिर भी मैं अपने तरफ से जितना हो सके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जगह पर नहाने के लिए अच्छा स्पॉट है, और कौन से जगह से आना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला आपका एकदम मेन हाईवे रोड है, यहाँ से आपको अंदर आना है और इस तरफ जाना है, तो आपको मिल जाएगा एकदम प्यारा सा लोकेशन जहाँ पर नहा सकते हो। कल संडे है, तो कल अपने दोस्तों लोगों के साथ फिशिंग करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी मुझे जाना पड़ेगा साहिल के पास, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट और 5 किलोमीटर जैसा जाना पड़ेगा। उसके बाद साहिल से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हम लोग फिशिंग करने जाएंगे। इस पेड़ के वजह से इतना प्यारा सा छाव और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा, बट आप लोगों ने नोटिस किया ये क्या चीज़ आप लोग बताना, ये देखो पूरे लगे हुए हैं और इसको खाते भी हैं, कच्चे में भी आप तोड़ के मिर्चा वगैरह डाल के खा सकते हो, और पका होता है ना तब तो आपको ऐसे भी खा सकते हो, हल्का हल्का स्वीट सा लगता है। और बड़े लोगों का ऐसा कहना होता है, ये जो पेड़ देख रहे हो ना, इस पेड़ का अगर आपको फूल मिल जाता है तो जिस चीज़ में रखोगे आप
तो उसमें होता है ये लाइक आपका उस चीज़ का कभी भी कमी नहीं होता है, ऐसे बड़े लोगों का कहना है। आप श्योर नहीं हूँ मैं भी, पर आप लोग बताना कमेंट करके, और साथ ही साथ ये कौन सा फ्रूट है वो बताना। काफ़ी दूर गया था घूमने के लिए, और कहाँ कहाँ गया वैसे मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, उसका भी कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल घर पहुँच चुका हूँ और अपना यहाँ पर कपड़ा वगैरह ले लिया। सुबह मैं आपको बता रहा था कि मैं नहाने जाऊँगा कहीं अच्छा जगह में, तो वैसे बहुत सारा जगह मैंने देखा, एंड वही सब जगह देखते देखते अचानक से एक सब्सक्राइबर आया, एक नहीं थे दो गाड़ी में आए थे, एंड उसके बाद वो मुझे रेंडमली मुझे पहचाने, मैं रास्ते में ब्लॉग बना रहा था तो मुझे पहचाने, उसके बाद उनके साथ बात करते करते मैं और करते करते मैं फिर उन्होंने बोल पूछने लगा कि मुझे ऐसा सबसे बड़ा वाला स्टेचू जो बन रहा है बुद्धा स्टेचू वो देखना है, तो उनको दिखाने के लिए लेके गया वहाँ तक, अपना बसंती को भी लेके गया, और रास्ता आए हाय कितना ज़्यादा ख़राब था। और आप लोगों को लग रहा है कि मैं उनको दिखाया नहीं, बट मैंने पूछा कि उनसे कि ब्लॉग बनाओ, पहले मैं परमिशन ले लेता हूँ कि जो भी नया बंदा हो ना उनसे परमिशन लेता हूँ कि हाँ वो ओके है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे सोशल मीडिया में नहीं जाना, तो उसके वजह से मैंने उनका ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, उनको समझना चाहिए था, बट कोई नहीं, उनका इतना प्यार देखना मैं वो सब भूल गया, और उनका जितना हो सके अपनी तरफ से होस्ट किया। मैं गया था ऑलमोस्ट 1 बजे करीब में, और अभी 4 बजे आया हूँ, एंड एकदम परफेक्ट टाइमिंग में अभी आया हूँ। फिलहाल मैं कपड़ा वगैरह लेके जा रहा हूँ नहाने के लिए एक और से नई जगह जो कि पास में है, तो वहाँ जाके नहा के आऊँगा, वो भी अच्छा है दिखाऊँगा। जब बुरा वक्त होता है तो ऊपर वाला साथ होता है, और जब अच्छा भी वक्त होता है ना तो ऊपर वाला ही साथ होता है, दोनों वक्त साथ था, एंड देखो एकदम सही समय पर पहुँच गया, परफेक्ट टाइमिंग है नहाने का भी, वेदर भी काफ़ी अच्छा चुका है, शाम हो रहा है, चलते हैं आपको लोकेशन दिखाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। बोतल्स चांदर लोकेशन पर आ चुका हूँ, और आप लोगों को शायद ये वाला ब्रिज जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ये जो ब्रिज देखो ये हमारे समीर भैया, जो समीर भैया है ना उनके व्लॉग्स में आप लोग देखे होंगे ये पूरा ब्रिज बनाते हुए। मुझे लगा था कि बस मैं ही अकेला हूँगा, बट यहाँ पर इतने सारे बच्चे लोग नहा रहे भाई पूरे मजे से। ओ वो कैसे हो? वाह देखो भाई पूरा मजा से नहा रहे हैं लोग, मजा आ रहा है नहा के? वो वहाँ पे गड्ढा है, वो भाई सही है नहाने के लिए, ऐसे वाला जगह मजा आता है ना जहाँ पर पूरा मस्त एंजॉय करे सभी लोग। नहाने के लिए बना रही है, वाह मतलब ये स्पोर्ट हो गया नहाने वाला, ये नहाने वाला जगह हो गया ना, और तब तो नहाएगा अभी हम भी मजे से। पूरा ब्रिज कंप्लीट, आज कंप्लीट कंप्लीट ना, ओह मेरा 23,000 कैसे लग रहा अंकल नहा के? अरे भैया मेहनत करेगा तो सब आएगा। हम सोच रहे यहाँ से उधर में भी गहरा पानी है ना, उधर वहाँ पर नहाने से भी ठीक है ना, थोड़ा मारी लेके आएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना। हाँ एकदम ब्रिज तो कंप्लीट हो गया, इसमें अभी स्कूटी आने जाना हो जाएगा, मेरा कम से कम यहाँ में कितना महीना दिन आपे हो गया, महीना दिन पे स्कूटी पार हो जाता अब। अरे यार स्कूटी क्या बाइक साइड पूरा और गाड़ी ऊपर बाइक का वो पहुंच जाएगा ना। हां वो भी पार हो जाएगा ना, चले अभी ब्रिज बन गया तो अच्छा है। क्या बात है क्या बात है, गर्म दिन में यार धमाका होता है ना के लिए सब आदमी कष्ट सब मजा आ रहा है। कहां पर आने से बेस्ट बताइए? अरे बेस्ट जगह यहां पे यही पर है ना, डाइविंग करना पड़ेगा भाई। चलो अपना कपड़ा वगैरह यहीं पर रखते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं नहाने के लिए। काफी गर्म भाई, अब जाके एकदम डुबकी मारेंगे तो एकदम मस्त वाला फील आएगा, है कि नहीं दादू? और ये देखो भाई ब्रिज एकदम रिसेंटली आज ही कंप्लीट हुआ है, पूरा बम्बू का बनाया हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया, तो आप यहीं पर इन लोगों के साथ नहाएंगे। जैसे पहले मैं सोच रहा था वो वाला जगह पर नहाऊंगा, वो वाला भी अच्छा जगह है, वहाँ पर बाउंड्री करके रखा है तो पानी पूरा स्टॉक होकर रखा है, थोड़ा सा गहरा है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यहाँ पर भी बनाया स्विमिंग पूल, एकदम स्विमिंग पूल तो यहीं पर नहाते हैं भाई। छोटा करके नहीं लॉन्ग करके देखाओ, लॉन्ग 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 करके ऐसा उधर लॉन्ग करके लॉन्ग मजा आए।
थक गया दे आता है। अरे नहाना है ना, किसको क्या आता है। ओ भाई काफी देर से नहा रहा, काफी मजा आया भाई। और बस ये वाला जगह जो देख रहे हो ना, यहाँ पर थोड़ा सा गहरा है और यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड है, बाकी तो भाई एकदम मस्त। इधर थोड़ा सा पानी कम है, इधर मस्त है। तो ऐसे लोकेशन पर नहाने का एक अलग से मजा आता है। और थोड़ा देर नहाते हैं यहाँ पर और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। ये ब्रिज तो आप लोगों ने देख ही लिया कि ये पूरा बम्बू से बना हुआ है, बट इसके नीचे देखो पहले एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के अंदर में पूरा पत्थर वगैरह रख दिया। अब ये जल्दी हिलेगा भी नहीं, बस ज़्यादा पानी आता है ना तब जाके दिक्कत होता है, बाकी तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं रहा भाई। ऐसे करके यहाँ पर एकदम मस्त ब्रिज बनाते हैं, गाँव के ब्रिज ऐसा ही होता है भाई ये। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। बॉडी को इतना ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है ना, मुझे ही पता है कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस समय जब मैं उनको घुमा रहा था और तेज़ धूप, ऊपर से मैं अपना स्कूटी भी लेके गया था, तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, बहुत ज़्यादा। उतना दूर जाने का सोचा भी नहीं था, बट ऊपर वाला जो भी करता अच्छे करता है, तो उनको भी घुमा भी दिया, मज़े से नहा भी लिया और अनएक्सपेक्टेड इतने सारे लोग दिखे तो थोड़ा सा मज़ा भी आया। तब अपना शरीर को थोड़ा सा खुशबूदार बनाते हैं, हैंडसम साबुन लगा के, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए। बहुत मज़ा है। नदी देख रहे हो, वैसे आप लोगों को लगता होगा गंदा होगा, बट यहाँ का पानी इतना मस्त होता है, साफ होता है ना। ये देखो भाई पानी निकालो और पानी में भी एक बार दिखा दो, कुछ भी नहीं, देखो एकदम मस्त क्लीन और आराम से पी सकते भाई। पहले थोड़ा सा डरना चाहिए क्योंकि ये पानी में थोड़ा सा गंदगी होता है, बट हम लोग का शरीर भी इतना मजबूत है ना कि भाई सब हो जाता है, हमको प्यास लगा है हम भी पियेंगे। बढ़िया दोस्तों, फ्रेश बनू, बस कोई आगे से वो ना करे। मजा आ गया। मैं लेके आया था 300 से सतुआ, अभी वही सतुआ बना रहा हूँ, पर पता नहीं उन लोगों का जैसा हमारा बन ही नहीं रहा। अब जाके एकदम मस्त वाला बन चुका है, इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया, उसके बाद मिर्चा डाल दिया, नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया। अब जाके उनके जैसा तो नहीं बट अपने हिसाब के लिए बेस्ट। काफ़ी दिन बाद अपना ब्लॉग बना के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एंड अभी घर पे आके खाना वगैरह खा के सब कुछ हो चुका है, एंड फिलहाल अब बारी सोने के लिए। एंड मैं जब नदी पे नहा रहा था उस वक्त मुझे चोट लगा था, एंड उस वक्त तो पता नहीं चला पता नहीं क्यों, बट बाद में ना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था पैर, अचानक से फिर छू के देखा तो थोड़ा सा फूल गया। ये दर्द ना, दर्द तो हो रहा था एक्चुअली में, बट दुनिया वाला जो दर्द है ना उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था। तो आराम से सह लिया, अभी हल्दी वगैरह लगा लिया, होप कि कल तक ठीक हो जाए या परसों तक ठीक हो जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।